खबरों की शुरुआत करेंगे, पहली खबर का रुख करते हैं। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने राजकीय उत्तर रक्षा गृह का उद्घाटन किया है। दरअसल अलग अलग जगह नारी निकेतन होता है और जहां पर किसी भी कारण से असहाय जिन्हें प्रशासन और सरकार से मदद की जरूरत है उन्हें यहां रखा जाता है। उन्हें रहने की व्यवस्था से लेकर के खाने पीने की व्यवस्था तक की जाती है। उनके लिए सीएम मनोहर लाल ने राजकीय उत्तर रक्षा गृह का उद्घाटन किया है। इसमें अभी 30 के आसपास परिवार रह रहे हैं और करीब 70 परिवार रहने की व्यवस्था इसमें है। यहां पूरा नारा, आपको बता दें कि यहां पर निकेतन 6.5 एकड़ में बना करके इसको तैयार किया गया है और इस नारी निकेतन में कई अलग अलग बिल्डिंग भी होंगी जिसमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी होगा। साथ ही साथ एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा जो कि कमर्शियल होगा, जिसमें यहां रहने वाली जो महिलाएं हैं वो काम कर पाएंगी, ताकि इस पूरे नारी निकेतन में रहने वाले जो स्टाफ हैं और लोग हैं उन लोगों का खर्चा भी निकल सके। ये जो अभी नारी निकेतन का भवन बना है, वास्तव में पूरा ये 6 एकड़ के ऊपर कई बिल्डिंग बननी है, उसका एक पोर्शन ये नारी निकेतन है, ये बन के तैयार हुआ है, इसका भी उद्घाटन किया है। नारी निकेतन में सामान्यतया वो महिलाएं जो किसी भी कारण से असहाय हैं, जिनको सरकारी आश्रय की जरूरत होती है, ऐसे नारियों के लिए नारी निकेतन जगह जगह हॉस्टल हमारे यहाँ के बना है। साथ में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल ये भी बनाया जाएगा और ये सारी जो प्रकल्प है ये ठीक से सुचारू रूप से चलते रहे, आत्मनिर्भर हो जाए, तो इसके एक पोर्शन में एक मार्केट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा कमर्शियल, ताकि उसकी इनकम से आय से ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहे। इस प्रकार का ये 6.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा, इसका बहुत बड़ा लाभ। सर, हाई